असेसमेंट ईयर 2018-19 में तकरीबन 58,000 टैक्स पेयर्स को फेसलेस असेसमेंट्स का नोटिस दिया गया है। ये प्रोसीडिंग्स 100% फेसलेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस की जाएंगी। आइए हम जानते हैं फेसलेस असेसमेंट स्टेप बाय स्टेप होगी कैसे। यदि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या टैक्स एडवोकेट हैं और आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में हेल्प आउट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार ने एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाया है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के अलावा 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर भी बनाए गए हैं जो कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में है। तो फेसलेस ई असेसमेंट में जो सबसे बड़ा रोल है वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का है। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा, यानी कि टैक्स पेयर अपनी जो भी बात बताना चाहता है, किसी भी नोटिस का जवाब देना चाहता है तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगा। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर के टैक्स असेसमेंट को पूरा करने के लिए ये सारी जानकारियां एक प्रोटोकॉल के तहत, एक डिसाइडेड मैकेनिज्म के तहत किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को देगा। रीजनल ई असेसमेंट सेंटर अपना होमवर्क करके वापस अपना काम नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देंगे। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ही असेसी को असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। तो ये सारा काम होगा कैसे, आइए हम जान लेते हैं। कुछ स्लाइड के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे मेरी इस प्रेजेंटेशन में। तो आइए देखते हैं हम। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर के बीच में और रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स के बीच में, हर एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में 4 यूनिट्स होंगी जिनको हम असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट के नाम से जानेंगे। इन यूनिट्स का काम होगा एक टैक्स पेयर की असेसमेंट को कंप्लीट करना। हम कई दशकों से टैक्स की प्रैक्टिस करते आए हैं। आज तक होता क्या आया है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान एक तरफ टैक्स पेयर होता है और दूसरी तरफ टैक्स ऑफिसर होता है, यानी कि दोनों तरफ से 1-to-1 का इंटरेक्शन आज तक रहा है। एक व्यक्ति बात करता है, दूसरे व्यक्ति को भी बात समझाता है, दूसरा व्यक्ति अपने आर्ग्यूमेंट्स रखता है, पहला व्यक्ति उसे क्लैरिफाई करता है। लेकिन अब देखिए, एक इनकम टैक्स असेसमेंट को करते समय एक तरफ टैक्स पेयर है, दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट है और उस टैक्स डिपार्टमेंट में कम से कम 4 पैरेलल यूनिट्स असेसमेंट कर रही हैं। तो टैक्स पेयर को बहुत ध्यान रखना होगा, जो भी जानकारी नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से मांग रहा है उसका बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव जवाब देना है उसका आपको। अब आम जवाब से काम नहीं चलेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू करेगा। ये नोटिस ईमेल के थ्रू, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के थ्रू और असेसी के इनकम टैक्स प्रोफाइल में भी ये नोटिस पहुंच जाएगा। टैक्स पेयर इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर अंदर दे सकता है। असेसी जो भी रिप्लाई फाइल करेगा, टैक्स पेयर जो भी रिप्लाई फाइल करेगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इसे किसी भी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की असेसमेंट यूनिट को दे देगा। ई असेसमेंट यूनिट से कहा जाएगा आप इस असेसी की असेसमेंट करें। असेसमेंट यूनिट टैक्स पेयर के जवाब को देखकर, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देखकर इश्यूज को फ्रेम करेगी और उसे फर्दर क्या क्या जानकारियां चाहिए असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। ये बात असेसमेंट यूनिट वापस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को बताएगी। असेसमेंट यूनिट को असेसमेंट करते समय हो सकता है टेक्निकल यूनिट की मदद लेनी पड़े, वेरिफिकेशन यूनिट की मदद लेनी पड़े, असेसी के किसी प्रीमाइसिस को वेरीफाई करने के लिए, कोई इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। तो असेसमेंट यूनिट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को बताएगी कि मुझे टैक्स पेयर से ये इंफॉर्मेशन और लेके दीजिए, और इसके अलावा किसी भी टेक्निकल यूनिट से, वेरिफिकेशन यूनिट से मुझे इन पॉइंट्स पे और मदद चाहिए। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन मांगेगा, इसके अलावा किसी भी अन्य रीजनल ई असेसमेंट सेंटर की टेक्निकल यूनिट को, और हो सकता है किसी और रीजनल सेंटर की वेरिफिकेशन यूनिट को इसी टैक्स पेयर का असेसमेंट का ये हिस्सा सौंप दिया जाए। तो असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट अपने अपने इनपुट्स इकट्ठा करके टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक असेसमेंट फ्रेम करेंगे। असेसमेंट यूनिट अपने काम को पूरा करके एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार करके नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को दे देगा। अब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करेगा। यहां पे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर 3 कदम उठा सकता है। या तो इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को फाइनल मान लिया जाए, नंबर 2 यदि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को लगता है कि इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पर एक दफ़ा टैक्स पेयर को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, उसे एक शो कॉज देना चाहिए कि बताइए इस असेसमेंट को हम इस प्रकार से पूरा क्यों ना करें। और नंबर 3 ये भी हो सकता है कि असेसमेंट यूनिट के द्वारा दिए गए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर रिव्यू यूनिट को दे सकते हैं। रिव्यू यूनिट का काम ही है असेसमेंट ऑर्डर को फर्दर स्ट्रेंथन करना, असेसमेंट ऑर्डर में देखना क्या सारे लीगल और फैक्चुअल पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं, असेसी ने जिन जिन केस लॉस पर रिलाई किया है क्या उन सारे केस लॉस को, और डिपार्टमेंट ने जिन जिन केस लॉस पर रिलाई किया है क्या वो सभी इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं। तो ये काम है असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट का। रिव्यू यूनिट अपना काम पूरा करके नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को दे देगा। अगर रिव्यू यूनिट ने कोई मॉडिफिकेशंस सजेस्ट किए हैं तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इन सजेशंस को वापस असेसमेंट यूनिट को दे देगा। असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट्स के सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके फिर से एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को दे देंगे। तो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल असेसमेंट करना नहीं है, बल्कि एक नोडल एजेंसी की तरह काम करना है। अगर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने को लगता है कि टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए पर्सनल हियरिंग की, तो असेसी या असेसी का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सनल हियरिंग की डिमांड कर सकते हैं। ये पर्सनल हियरिंग केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो सकती है। फेसलेस असेसमेंट में कभी भी टैक्स पेयर या टैक्स पेयर का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, किसी भी रीजनल असेसमेंट सेंटर, किसी भी यूनिट को विजिट नहीं कर सकते। तो असेसी को एक मौका दिया जाएगा, आखिरी में उसे एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू असेसी की बात को सुना जाएगा बिफोर पासिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। और इसके बाद सारी प्रोसीजर को पूरा कर लेने के बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी को एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर रिलीज कर देगा। ये सारी कार्रवाई फेसलेस होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होगी, ईमेल्स के थ्रू होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होगी। आखिरी में असेसमेंट कंप्लीट कर लेने के बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इस टैक्स पेयर से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को, सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को टैक्स पेयर का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर है उसे ट्रांसफर किया जाएगा बाकी के सब्सिक्वेंट रूटीन एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल डिमांड को कलेक्ट करना, पेनल्टी इनिशिएट करना, स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को कंसीडर करना, अपील इफेक्ट देना, रिमांड रिपोर्ट मंगवाना, जितने भी सब्सिक्वेंट इंसिडेंटल एक्टिविटीज हैं उन सभी कार्यों के लिए असेसी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसी के रेगुलर जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को ट्रांसफर कर देगा। एक पॉइंट और है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर असेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी समय सारी केस प्रोसीडिंग को असेसी के ओरिजिनल जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर ने एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो इसके अगेंस्ट अपील कहां फाइल करेंगे? तो हमें ध्यान रखना होगा, अपील असेसी का जो रेगुलर जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर है उसका जो जुरिसडिक्शनल सीआईटी अपील है उसी के पास ही अपील फाइल की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आखिरी में हमें वन बाय वन ये भी समझना होगा कि ये जो चार अलग अलग यूनिट्स बनाई गई हैं इनका आइटमाइज्ड फंक्शन क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है असेसमेंट यूनिट। असेसमेंट यूनिट का काम है असेसमेंट फ्रेम करना। टैक्स पेयर ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, जो रिटर्न सबमिशंस फाइल किया है, उन्हें पढ़ना, उनमें से इश्यूज को फ्रेम करना और असेसमेंट ऑर्डर फ्रेम करने की तैयारी करना। फिर आती है टेक्निकल यूनिट। टेक्निकल यूनिट का क्या काम है? टेक्निकल यूनिट का काम है किसी भी लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इश्यूज पर असेसमेंट यूनिट के साथ मिलकर काम करना, उन्हें हेल्प आउट करना। तीसरी आती है वेरिफिकेशन यूनिट। असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कई बार एविडेंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, फील्ड वेरिफिकेशंस करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने का काम ये आपका वेरिफिकेशन यूनिट का है। और आखिरी में रिव्यू यूनिट का काम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स को लीगली रिव्यू करना है, असेसमेंट ऑर्डर को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। इन सभी स्टेजेस से होकर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की जाएंगी और असेसी को असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा। तो हमें एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर ये समझना होगा कि फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग में जो असेसमेंट ऑर्डर असेसी के अगेंस्ट निकल के आएगा वो बहुत ही एक पावरफुल, एक स्ट्रेंथन असेसमेंट ऑर्डर होगा। तो टैक्स पेयर्स को, टैक्स प्रोफेशनल्स को, हम जैसे टैक्स प्रोफेशनल्स को ये समझना होगा कि अब हमें असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को बहुत साइंटिफिक, बहुत ही एग्जॉस्टिवली लेना होगा। यदि असेसी अपनी किसी बात को नहीं रख पाता है, यदि आपने कुछ पॉइंट्स पे कुछ भी नहीं कहा, तो बाद में एपेलेट प्रोसीडिंग्स के दौरान इस असेसमेंट ऑर्डर को डाइल्यूट करना, इसको रिफ्यूट करना ये बेहद मुश्किल होगा। तो आइए हम सब फेसलेस असेसमेंट के लिए अपने आप को इम्पार्ट करें, एम्पावर करें और अपने क्लाइंट्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक असेसमेंट के साथ एक सपोर्ट प्रोवाइड करने क्लाइंट्स को। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। किसी भी कमेंट्स के लिए, किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे बेहद खुशी होगी आपको जवाब देने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।